जी मेरी बाइबल दूजे रूम च पई ने, सॉरी मैं लैके नहीं आ सकी इधर। तो भाई तुम 6 मंथ ने मेरी प्रोफेसिंग की थी। जो भाजी मंडे प्रोक्सी मंडे होंगे सी तो तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रोफेसिंग कीतियां सी। तुम कहे राविंदर मैं तेन कैनेडा दे विच देख रहा हूँ 6 मंथ दे विच। मैं तुम प्रोफेसिंग मेरे 3 वारी की थी तुम मेरी वर्जी। जब तुम मेरी ए भी एक प्रोफेसिंग की थी कि मैं तेरी जी टिकट हैगी वो मैं तेरी गिफ्ट होंगी देख रहा हूँ। मैं सोचना मैं 1,33,000 की टिकट है मेरे, वो मेरी किदा गिफ्ट हो सकती हैगी है ना। तो मैं जस्ट थैंक्स गिविंग कर दी सब तो वीडी। मैं वर्जी मैं शुक्र गुजार के तुम कह शुक्र गुजारी करनी है कि वर्जी मेरा सितंबर तो मेरी फाइल रिफ्यूज हुई है। अभी जनवरी अभी ज्वाइन होएंगे तो भाजी मेरी जी फाइल वो मई के लगती है कि भाजी 5 महीने मेरी फाइल लगी नहीं। भाजी मैं शुक्र गुजारी कर परमेश्वर मेरा वीजा डन है। ईवन की मेरी फाइल लगी भी नहीं सी, मैं शुक्र गुजारी ही करती होंगी सी। मैं तो तुम वर्जी कहा सू कि राजविंद अज तेरे खड़ के लड़ांगे, जो तू कहेंगी भी तेरा कैनेडा का वीजा इदा ही आ जाए वो तो मुमकिन हैगा। ते बजी तो हर थान सा खड़ के लड़े। ते फिर जो बजी मैं शुक्र गुजारी करती हूँ बजी उन्होंने सामने ये कहा था लॉयर की फीस हैगी जी भी उन्होंने बजी कहते 1,500 डॉलर भी 1,500 डॉलर सुनी है। इतने आके पता लगे बजे 5,500 डॉलर साड़ी फीस हैगी जो कि साढ़े 11,000 से डॉलर है बजे पे कर चुके हैं। मेरा मुंह इतने आके ना ओपन हो गया भी 11,000 डॉलर साड़ी फीस। तो बजी परमेश्वर की महिमा धन्यवाद बजे सब 1 रुपया उन्होंने उस लॉयर की फीस का भी नहीं मंगया। क्योंकि तो उन्होंने लॉयर ने थोड़ी अपील की थी कैनेडा के विच भी तुसी इस कुड़ियों ने वीजा तुसी क्यों नहीं देंगे है गे। ते असी हैरान है कि साड़ा 11,000 डॉलर साड़ा उत्थे पे किया है जेड़ा भी साड़ा हले एम ही नहीं किया तुसी देना कदों हैगा। असी बड़ी सारे जे फाइनैंशियल बचन से असी वो क्लेम करते होंगे सीगे। तुसी मैनूं स्पेशल वर्स दित्ती सीगी फिलिपिया 4:19 दी आयत दा ते बच्चे मैं वो क्लेम करती होंगी सी। मैं फिर मैं हम मैं अज आके पता भी यही लगता है कि सचमुच ही परमेश्वर हैगा गा जो सानू 11,000 डॉलर सानू फेवर दवा चुके हैगा। 15,000 मेरा सिस्टर वीपा डॉलर का फेवर की 30,000 डॉलर है। टोटल असं मिला के देखिए सर 1 करोड़ सारा डॉलर का सानू फेवर मिलेगा जो कि उन्होंने कल मैनू पता लगे ब्रदर जी 1,000 डॉलर असं अंतिम PR तक देना गा। साड़ी कोई भी सैलरी पेमेंट साड़ी कट नहीं होएगी। तो जे असी गल कही भी साढ़े एम्पलॉयर की साडे एम्पलॉयर इन्ने क वधिया ने वर्जी असी कदे सोचा तक नहीं सी अथा कि इंडियन ही बहुत बुरा सलूक करदे नेगे। फिर वर्जी उस तो बाद मैं जदों अपना वीजा रिसीव कीता गा मैं वीजा अपना रिसीव कीता गा सॉरी मैं देखा मैं वर्जी अपना वीजा मई दे विच मैं फाइल मेरी सबमिट मेरी हो गई। तो वर्जी मेरा 1 दिन रह गया मेरा फाइल सबमिट होने के लिए यानी कि मैनू बहुत पसीना आंदा सी वर्जी सारे तरह धड़ वर्जी मैं लहू ही पी जाती सी कि ब्रदर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो आ डॉक्यूमेंट्स रह गया वर्जी सैटरडे संडे आ गया है ना सारी इमीग्रेशन क्लोज हो जानी है मंडे तक मेरा आयस एक्सपायर है। तो वर्जी बस वो तुसी जान दे मैं जान दी वी पास जाने का रब उपर वाल जान दा मेरी फाइल किदा सबमिट होएगी। तो मैंने ये सी बस मेरी फाइल सबमिट ना हो मेरा 5,000 डॉलर भी गया तो मेरे लॉयर की फीस साड़ी 11 साड़ी टोटल 11,000 डॉलर हो गया। मैं कहा मेरा वो भी गया भी मेरा मेरा बनना की है बजी उसी रात में मेरे साइबर 3 बजे मेरी फाइल सबमिट होंगी हैगी। तुसी उस टाइम मेरे सपोर्ट के नाल खड़े हुए सीगे जदों वर्जी मेरे सारे साइन हो रहे सीगे उत्थे भी मैं साइन कर कर उन्होंने सेंड कर रही सीगी। उन्होंने जस्ट एक मैसेज कहा सी कहिंदे फाइल सबमिटेड। मैं उन्होंने कहा भी सर भी मेरी इमीग्रेस फाइल सबमिट हो चुकी है और कहिंदे हाँ तेरी फाइल सबमिट हो चुकी है। मैं उत्थे कहा परमेश्वर सचमुच ही तू धर्मियों की प्रार्थना कन्न ला के सुन दागा। यह नहीं है भी जस्ट मेरी प्रार्थना उत्तर आएगा। कदे कदे सानू यह लगता होंगे कि साड़ी प्रार्थना उत्तर क्यों नहीं आ रहा असं परमेश्वर ब्लेम जरूर कर देंगे। फिर मैं कदे कदे अपने विच भी कहने निचोड़ करना ना कि मेरे च भी कमियां ने। सब तो बेस्ट जो सानू बड़े सानू सरमन दिन से पवित्रता इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ बिकॉज ऑफ जे असी अपने पवित्रता नहीं लैके आते है तुम यह भुल जाओ कि सुनियो प्रार्थना कदी भी उत्तर आऊगा। असी कदे भी तुरे जाना मैं यह मैं इतने शरियाम दस रही हूँ मैं तुरे जाना। मैं वीपा ने कहना मैं जब कोई मुंडा तुरे शायद मैं मेरी गलत निगाह तो नहीं चली गई। कहने नहीं नहीं ऐदा भी परमेश्वर कुछ नहीं कहता है। मैं बहुत डरना मैं कुछ नहीं मैं तुरी जा रही जिस मैं कुछ नहीं है ना। मैं मेरे तो कोई पाप ना हो जाए पर असी कहने गए भी असी मसीह दे विच आ गए भी साडे स्ट्रगल है जिहड़े क्यों नहीं खत्म होंगे पर असी करे देख देंगे भी साडे विच भी असी अपने आप किन्ना इंप्रूवमेंट किया इतने पर असी अपने च कमियां नहीं लैके आने। असी जस्ट परमेश्वर नूं असी ब्लेम कर देंगे परमेश्वर असी बचन क्लेम किए हैं बट डजंट मैटर कि असी बचन क्लेम किए ने गे। असी कहने भी ब्रदर जी पादरी साहब असी तुहाडे तों प्रार्थना कराई है भी आ साडा भी क्यों नहीं आया गा। असी सानूं रोजे रखण भी तुसी कहा क्यों नहीं आया गा। वो चीजा मैटर नहीं कर दया मैं सारे अनाउंस यही कर दी जिन्ना टाइम तुहाडा हार्ट क्लीन नहीं हुंदा जिन्ना तुसी किसी स्टैंड नहीं लैंदे उन्ना टाइम कुछ भी नहीं है। असी एक थैंक्स करते कि मैं इंटरसेशन टीम की मैंबर बनी हाँ सारिया ब्लैसिंगा मैं उतो भी मिलिया ने मैनू कि मैं किसी होर खड़ती सी मैं अपने लिए प्रार्थना घट करती सी मैं दूजे लिए वध करती मैं सब दू मैं इतने आंसर करना चाहनी हाँ कि प्लीज
ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਰ ਵੀਪਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਠਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਜੀ